सो हमारे आज का फर्स्ट एमसीक्यू ये है, यू कैन रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर विथ यूनिटी डीसी गेन एंड माइनस 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2000 pi रेडियन पर सेकंड. द ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जे ओमेगा इज, मतलब के हमें के डीसी गेन दिया गया है 1 एंड क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. सो अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है तो उसका आइडियल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1. ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका डीसी गेन 1 दिया है, राइट. तो आप अगर एस टेंस टू 0 रखोगे तो आपको जो जी 0 होगा वो 1 मिलेगा एंड दैट इज द डीसी गेन, राइट. अब हमें क्या दिया है, नेक्स्ट माइनस 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइनस 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. सो ये लो पास फिल्टर की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो हमें देके रखी है माइनस 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2000 pi, राइट. सो अगर हम इस ट्रांसफर फंक्शन में s इक्वल्स टू जे ओमेगा ले लेंगे सो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा g ऑफ जे ओमेगा और इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1 + जे ओमेगा बाय ये टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 by tau, राइट. ऐसा लिख सकते हैं एंड व्हाट इज दिस 1 by tau, दैट इज नथिंग एल्स बट 1 + j ओमेगा एंड दिस इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट. एंड व्हाट इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2000 pi. सो ये ऊपर आ जाएगा 2000 pi, दिस इज 2000 pi और यहां क्या बचेगा j ओमेगा प्लस 2000 pi, राइट. सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. अब देख सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है, सी. सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो हमारा सेकेंड एमसीक्यू ये है, वो भी 1 mark का है. क्या दिया गया है, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, x0 इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 0 मींस 0 इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर xt एंड yt आर इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स. द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द इनवर्स सिस्टम इज, अब देखो इसमें एक लोचा है, कई रीडर्स ये पढ़ लेते हैं कि इनवर्स सिस्टम दिया है. नाउ व्हाट इज इनवर्स सिस्टम, नाउ इनवर्स सिस्टम मतलब के अगर आप प्रोसेस कंट्रोल देखोगे तो इनवर्स सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम विच हैज सम 0 इन राइट हैंड साइड, ठीक है, इस तरह का होता है. मतलब के ये जो 0 है सिस्टम का वो राइट हैंड साइड है, ठीक है. सो जैसे ही ये इनवर्स रिस्पॉन्स पढ़ते हैं तुरंत ही दे ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस, बट यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सो आपको ये गेस नहीं करना है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका लाप्लास लेना है. सो हम अगर इसका सॉल्व करें सो ये क्या है सिस्टम, दिस इज dy/dt प्लस 2y इक्वल्स टू dx/dt प्लस x, राइट. अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, sy(s) प्लस 2y(s) इक्वल्स टू sx(s) प्लस x(s), राइट. सो अब यहाँ से हम y(s) कॉमन लेंगे और सामने से x(s) कॉमन लेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, s+1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, s+2. सो सिंपली दिस इज द राइट आंसर,
एंड हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये है प्रोसेस कंट्रोल की ओर से, प्रोसेस कंट्रोल टॉपिक से, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। द टर्म हिस्टेरेसिस इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तो हमें ये कंट्रोल स्ट्रेटेजीज देके रखी है। सो हमारे पास कौन कौन सी है स्ट्रेटेजीज? ऑन ऑफ कंट्रोल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एंड रेशियो कंट्रोल। तो आपको पता है हिस्टेरेसिस इज एसोसिएटेड विथ टोटली ऑन ऑफ कंट्रोल। हाउ ऑन ऑफ कंट्रोल? आपको सिंपल एक चीज पता है कि आप किसी भी चीज को एक फिक्स सेट पॉइंट है, अगर ये फिक्स सेट पॉइंट है, अगर ये फिक्स सेट पॉइंट के आजू बाजू ऑन या ऑफ करते हैं तो आपको जो कंट्रोल होता है वो क्या मिलता है? यही पॉइंट के इर्द गिर्द ऑसिलेटरी बिहेवियर मिलता है, राइट? मतलब के जो भी आपका ये सेट पॉइंट है उसके फिक्स मैग्नीट्यूड अप एंड फिक्स मैग्नीट्यूड डाउन आपको ऑसिलेशंस मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मैग्नीट्यूड है डेल्टा, तो ये डाउन मैग्नीट्यूड भी माइनस डेल्टा होगा, ये प्लस डेल्टा, तो मेरा जो वाई ऑफ टी है वो मुझे फिक्स मिलता है आर ऑफ टी प्लस और माइनस डेल्टा, राइट? सो दिस इज द सो डियर गेट एस्पिरेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 मार्क का, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4, उसका वेटेज 2 मार्क का है और ये एक आशीर्वाद है गेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन? द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कॉजल सिग्नल y ऑफ t इज दिस, मतलब कि डायरेक्टली आपको y ऑफ s दिया है। द वैल्यू ऑफ द सिग्नल वाई टी एट टी इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? वाई ऑफ 0.1, सिंपली ये फाइंड करना है, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे? हमारे पास वाई ऑफ एस जो है वो है एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 6। तो अगर इसको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एस प्लस 6 माइनस 4, राइट, अपॉन एस प्लस 6। सो अगर हम एस प्लस 6 दोनों को टर्म को देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन एस प्लस 6। अब आपको ये पता होगा व्हाट इज दिस 1, दैट इज अ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स अपॉन 4 एस प्लस 6। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मुझे y ऑफ s दिया गया है, सो मैं ये डेल्टा s लिख सकता हूँ। दिस इज इंपल्स रिस्पॉन्स, राइट, दिस इज इंपल्स रिस्पॉन्स। और अगर इफ आई यूज इनवर्स लाप्लास, लाप्लास इनवर्स करूँ ये सिग्नल का, तो मुझे टाइम डोमेन में y ऑफ t मिलेगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास? दैट इज डेल्टा t माइनस, और ये क्या मिलेगा? 4 e रेस टू माइनस 60, राइट। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड के ऊपर, मतलब के मुझे वैल्यू चाहिए y ऑफ 0.1 की। तो ये मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा ऑफ 0.1 माइनस 4 e रेस टू, दिस इज माइनस 0.6 हो जाएगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई, सो ये क्या हो जाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स? दिस इज अ 0, क्योंकि आपको पता है हमारा जो भी इंपल्स सिग्नल है वो एक्टिवेट होता है एट टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और वो है यूनिट इंपल्स, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और वो बहुत ही शॉर्ट स्पान के लिए, माइक्रोसेकेंड के लिए इनेबल होता है और बाद में हो जाता है का मैग्नीट्यूड 0, राइट। दिस इज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट स्पान, दिस इज अ डेल्टा टी विच इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0,
या तो माइक्रो या नैनो सेकंड में रहेगा। सो अगर आप यहाँ कहीं पे बात करते हो 0.1 सेकंड के ऊपर, दैट इज 100 मिली सेकंड, सो ऑफकोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपने को जीरो मिलेगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो हमें देगा वाई ऑफ 0.1, और हमारा वाई ऑफ 0.1 आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमें मिलेगा 2.1952, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.1952, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट MCQ है वो ये है, मैंने ऑलरेडी थोड़ा मार्क करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ के एंड के पी आर सच दैट द सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.8, ओके, एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ के पी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। सो पहली बार देख के हम ये बता सकते हैं कि दिस इज द PD फिल्टर, राइट, फीडबैक पाथ ये जो है वो है फीडबैक पाथ। सो PD फिल्टर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव फिल्टर रखा है, और ये जो है वो है सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, सो दिस इज अ प्लांट, राइट। सो अब हमारा पर्पस क्या है, हमें के पी फाइंड करना है, के जो है वो फीड फॉरवर्ड गेन है। सो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये सिस्टम जो है उसका जीटा देके रखा है, दैट इज 0.8, एंड इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अनडैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो है 4 रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो सबसे पहले हम डेल्टा एस फाइंड कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा जी ऑफ एस है और ये हमारा एच ऑफ एस है, तो हमें डेल्टा एस क्या मिलेगा, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो मिलेगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए, के अपॉन एस एस प्लस 1 इंटू 1 प्लस के पी इंटू एस, राइट, इक्वल्स टू 0। हम अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ऐसा आएगा, स्क्वायर प्लस के इंटू के पी प्लस 1 इंटू एस प्लस के इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए। अब हमें और एक चीज पता है कि अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर प्लांट है सो उसका हमें जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0। सो अगर हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सो इसके ऊपर से हमें ओमेगा स्क्वायर एन क्या मिलेगा, के। नाउ व्हाट इज ओमेगा एन, 4। सो हमें जो के है वो मिला 16, राइट, क्योंकि हमारे पास ओमेगा एन 4 देख के रखा है। सो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 16, और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे 2 जीटा इंटू ओमेगा एन, व्हाट इज ओमेगा एन, ओमेगा एन इज 4, वो इक्वल्स टू हमें क्या मिला, के के पी प्लस 1। अब हमें जीटा क्या देख के रखा है, दिस इज 0.8, राइट, इंटू 4 इक्वल्स टू व्हाट इज के, दैट इज 16 kp प्लस 1। सो ये हमारा टर्म क्या होगा, हमें कितना मिलेगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 0.8 दैट इज 6.4, और यहाँ पे हमारे पास है 16 kp प्लस 1, ये इस तरफ जाएगा। तो आप अगर सिंप्लीफाई करोगे सो इट विल बी टर्न अराउंड kp 0.3375, राइट। तो ये हमें मिला के पी, इसके लिए व्हाट इज दैट, 0.3375। द नेक्स्ट MCQ
that is number 6, is the loop transfer function of a closed loop system is given by this C of S, H of S, K, S plus 6 upon S, S plus 2, okay. The breakaway point of the root loci, root locus will be, ठीक है, so हमारे पास यहाँ पे G of S into H of S available है और वो है K S plus 6 upon S, S plus 2. So हमें इसके ऊपर से डेल्टा S जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो है 1 plus G of S H of S equals to 0 वो मिल जाएगा. So हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, दैट इज 1 प्लस के इंटू एस प्लस 6 अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s इक्वल्स टू 0. अब इसके ऊपर से हमें अगर ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है तो उसका प्रोसीजर हमें पता है, हमें डीके बाय डीएस फाइंड करना रहता है और उसको 0 इक्वेट करना रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर से हमें जो s मिलता है वो हमें चेक करना रहता है वो RL पाथ पे कौन सा है. हमें S की वैल्यू ऐसी मिलेगी जो हमारे रूट लोकस पाथ के ऊपर होगी, वही हमारा वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, ब्रेक अवे पॉइंट, राइट. सो चलो फाइंड करते हैं. सो इसके ऊपर से हमें जो K है वो क्या मिलेगा, दैट इज माइनस कॉमन एस स्क्वायर प्लस 2S अपॉन एस प्लस 6 और इसके ऊपर से अगर इफ यू फाइंड डी के बाई डी एस, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, सो आपको डी के बाई डी एस क्या मिलेगा, थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे तो वो मिलेगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 12 डिवाइड बाय एस प्लस 6 होल स्क्वायर, राइट. अगर आप इसे जीरो के साथ इक्वेट करोगे, अगर आप इसे जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और इसके जो रूट्स होंगे वो आपको मिलेंगे s इक्वल्स टू माइनस 1.1 एंड माइनस 10.9, राइट. मतलब ये दोनों में से एक जो है ये सिस्टम का वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है. सो हमें फाइंड करना है इसका वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा. तो हम अगर टेंटेटिव शेप बनाए इसका लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर से जी ऑफ एस एच ऑफ एस का, सो ये उसके जो दो पोल है एस इक्वल्स टू 0 एंड एस इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ पे एक 0 है माइनस 6 के ऊपर. सो हमारा आर एल पाथ क्या होगा, ये दोनों के बीच में होगा, राइट, बिटवीन दिस टू. और यहां से अप टू माइनस इनफाइनाइट, राइट, बिटवीन ओनली दिस टू पोल, मतलब 0 और माइनस 2 के बीच में आएगा और माइनस 6 टू माइनस इनफाइनाइट. अब आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, वो ब्रेक अवे पॉइंट कहां आएगा, दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन दिस टू पोल्स, राइट. अगर आप इसका NP माइनस NZ करो, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो आपको मिलेगा 1, मतलब कि इसके जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है वो आपको मिलेगा 180 डिग्री. तो इसका शेप कैसा बनेगा, ये दोनों पोल यहाँ से ब्रेक होंगे, एक ब्रेक अवे पॉइंट से एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा और वापस ये यहाँ से ब्रेक इन होंगे यहाँ कहीं पे, और एक जो है वो जीरो के पास जाएगा और दूसरा पोल है वो इन्फिनिटी के पास जाएगा. मतलब अगर प्रिसाइजली इसका शेप बनाए तो हमें ऐसा शेप मिलेगा ये दोनों के बीच में, राइट. अगर समझो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट है, सो यहाँ से ब्रेक अवे हुआ इधर गया और ये पोल माइनस इनफाइनाइट के पास गया, राइट. तो इस तरह से हमें इसका शेप मिलेगा, राइट, और ये उधर जाएगा इस तरफ से. सो हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो हमें मिलेगा बिटवीन माइनस 2 एंड 0. सो व्हाट इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट,
So this minus 1.1, that is a valid breakaway point. So our right answer is minus 1.1. So dear gate aspirants, our second last MCQ, that is question number 7. Ye hai, closed loop system is shown in the figure. Okay, the system parameter alpha is not known. Okay, the condition for asymptotic stability of the closed loop system is okay. मतलब कि ये जो unknown parameter है उसकी कौन सी रेंज लेंगे ताकि हमारी जो सिस्टम है वो asymptotic stable हो. ये क्लोज लूप सिस्टम का स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो अगर मैं ये कंसीडर करूँ, ये हमारा जी ऑफ एस है सिस्टम, और यहाँ पे हमारा जो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है वो है एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1. तो आपको सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0, राइट. सो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से मिलेगा, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस एस इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट. सो अगर आप स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो राउथ हर्विट्स एरे का यूज कर सकते हैं, राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया, राइट. सो राउथ हर्विट्स एरे हम बनाएंगे कोएफिशिएंट से, सो एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड 1. अब एस क्यूब का क्या कोएफिशिएंट है, दैट इज 1. फिर नेक्स्ट अल्फा प्लस 1, यहाँ क्या आएगा, दिस इज 2 अल्फा, यहाँ पे है अल्फा प्लस 1. सो यहाँ पे आपको जो टर्म मिलेगा ये समझो एक्स है, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ पे आपको वही अल्फा प्लस 1 मिलने वाला है. सो अगर हम कंडीशन चेक करें, दिस इज द कॉलम 1 फॉर राउथ हर्विट्स एरे, राइट. अगर इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, मतलब कि ये प्लस है, सो हमें ये भी प्लस करना है, मतलब कि हमारा जो 2 अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 लेना है. फिर ये एक्स है उसको भी प्लस करना है, और अल्फा प्लस 1 है उसको भी प्लस करना है. सो हमारा एक कंडीशन हो गया अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि हमारा अल्फा हो गया ग्रेटर देन माइनस 1, ये कंडीशन हो गया. यहाँ से हमें मिला अल्फा ग्रेटर देन 0, और हमारा तीसरा कंडीशन क्या होगा, एक्स के ऊपर से अवर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1, राइट, डिवाइड बाय 2 अल्फा, ये हमें ग्रेटर देन 0 लाना है. तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि हमारा हो गया अल्फा ग्रेटर देन 0.5. सो हमारे पास जो सारी कंडीशन मिली वो सारी कंडीशन ये हमें दिखाती है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सी है, दिस कंडीशन अल्फा ग्रेटर देन 0.5, राइट, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है. अगर इससे बड़ी होगी तो वो ऑटोमेटिकली माइनस 1 से भी ज्यादा होगी और 0 से भी ज्यादा होगी. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, दिस अल्फा ग्रेटर देन 0.5 इज द राइट ऑप्शन. सो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं हमारे ये सीरीज के आखिरी एमसीक्यू के ऊपर. सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें ये सिस्टम का जो सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस है ये फाइंड करना है. हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है और हमें सिंपली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है. सो अगर हम ये दो ब्लॉक की बात करें, G1 एंड G2, सो हमें पता चल रहा है इसके ऊपर से कि ये दोनों ब्लॉक जो है वो है पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि दोनों के बीच में समिंग पॉइंट है. तो इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, G1 प्लस G2, राइट. ये G3 है. सो ये जो G3 है वो ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाइड है, मगर उससे पहले हमारे पास एक लूप भी है, ये फीडबैक लूप,
तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और H1 उसके फीडबैक में है। तो ये पूरे का हमें इतने टर्म का इक्विवेलेंट क्या मिल सकता है, इतने टर्म का इक्विवेलेंट मतलब कि अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा R ऑफ S है, यहाँ पे मेरा समिंग पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे ये ब्लॉक क्या मिलेगा, सिंपली G1 G2 G1 प्लस G2 अपॉन 1, ये नेगेटिव फीडबैक है, मतलब ये प्लस G1 प्लस G2 इंटू H1, राइट। इसके साथ में ये G3 मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कि ये G1 प्लस G2 के साथ में G3 मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये यहाँ पे मुझे C ऑफ S मिला और यहाँ पे मेरा यूनिटी फीडबैक है, क्लियर। तो मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे अब फाइनल क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा G1 प्लस G2 इंटू G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 प्लस G2 इंटू H1 डिवाइड बाय, ये मुझे क्या मिलेगा, G अपॉन 1 प्लस GH, दैट इज 1 प्लस ये पूरा टर्म, दिस इज G1 प्लस G2 इंटू G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 प्लस G2 इंटू H1। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे ये जो है G1 प्लस G2 इंटू G3 न्यूमिनेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका LCM होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1 प्लस G1 प्लस G2 इंटू H1 और इसके साथ में ये प्लस हो जाएगा प्लस G1 प्लस G2 इंटू G3, राइट। सो दिस इज अवर राइट आंसर। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो भी कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H1 और ये हो जाएगा G1। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार का ये पेपर गेट 2017 का इंस्ट्रूमेंटेशन का काफ़ी ही मॉडरेट से भी कम लेवल का था, मतलब ईजी था, तो गेट स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर कर पाए होंगे।